एवरीवन, आज हमारे साथ नंद कुमार महाजन है जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ CET 3 और LLB एंट्रेंस एग्जाम 2024 में बहुत ही बेहतरीन स्कोर लेके आया है। दैट इज 98.77%। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नंद कुमार आपको इतना अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए। सो कैसा लगा जब आप अपने अपना रिजल्ट देखा था? रिजल्ट तो शाम को ही लग गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर मुझे 10 बजे पता चला कि आपके यूट्यूब चैनल पे मुझे आया, देखा मैंने। तो जैसे मैंने और PDF ओपन किया, मैं तो एक शॉक हो गया कि इतने परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल मुझे लगा पहले तो मार्क्स आने वाले थे, लेकिन परसेंटाइल की वजह से बहुत ही ज़्यादा परसेंटाइल आ गई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टॉप 50 में आ जाऊंगा, टॉप 50 या 100 में, लेकिन ये आ गए। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आया है आपने। सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन है कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये आपने कब डिसाइड किया कि चलिए कि लॉ की तैयारी स्टार्ट करनी है और लॉ में अपना करियर जो है हम बना सकते हैं? मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। उसके दौरान जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसके बाद मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जब मुझे फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन के लिए क्या राइट है क्या नहीं, ये पता चला, तब तो मुझे ऐसा लगा कि लॉ सबको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि लॉ एक, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एक हमारी हर इंडिविजुअल को एम्पावर करने की एक, उसमें से हर इंडिविजुअल को एक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट भी होती है और एम्पावरमेंट भी फील होती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉ करूँगा, और मैंने लॉ के लिए फिर मैंने पता चला तो कि MSCET के बारे में पता चला, फिर मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। फाइन, गुड टू नो। सो आपने अपनी प्रेपरेशन जो है, काफी टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो है प्रेपरेशन के लिए एक प्लान लेके चलते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट जो है कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपने कौन सी सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रैटेजी यूज करी थी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, मेरे लिए इंग्लिश और रीजनिंग और GK का कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही तैयारी कर रहा था। उनके बारे में मेरा पढ़ाई अच्छी थी। मेरे लिए सिर्फ लीगल थोड़ा चैलेंजिंग था, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। उसके लिए मैंने खास तैयारी की, और आपके जो ई नोट्स मैंने लिए थे, और ई नोट्स से मुझे अच्छी मदद मिली, उसमें से मेरा वो कवर हो गया। फाइन। सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ जाए और सही रिसोर्स से अपनी पढ़ाई करें, बिकॉज हर एक एंट्रेंस एग्जाम की खुद की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हर एक एग्जाम जो है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सबको ही आते हैं, जैसे GK में हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बचपन से वो चीज पढ़ते आए हैं स्कूलिंग लाइफ से, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे कवर करने हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए हमें सही रिसोर्सेस का जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सके। सो आप अपनी प्रैक्टिस जो है कैसे किया करते थे? MCQ प्रैक्टिस वगैरह आपने कोई करी थी? MCQ प्रैक्टिस जितना ऑनलाइन मिल रहा था उतना ही मैंने किया था, क्योंकि CET के पेपर PYQ तो अवेलेबल नहीं होते। इसलिए जो अपने इसमें थे, आपके नोट्स में जितने थे ई नोट्स में, उतने ही मैंने किए थे, वो भी मुझे ऐसा लगा कि सफिशियंट। ओके फाइन। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपका रिविजन जो स्ट्रैटेजी है ये क्या रहा था, बिकॉज एग्जाम के कुछ ही दिन पहले जो है बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जो पढ़ाई किया हुआ है उसको सही तरीके से और सही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन जरूरी हो जाता है। तो आपका रिविजन स्ट्रैटेजी क्या था फिर? पहले मैंने ई नोट्स में से मैंने खुद के पॉइंट्स निकाल लिए थे बाहर। वो हर मतलब हर नोट्स में से अपने नोट्स खुद की बना ली थी मैंने, खुद की। और लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र बैच में जितना मिला था, वही उतना ही रिवाइज किया था मैंने। फाइन, गुड टू नो दैट। तो आपने ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये कैसे किया, बिकॉज 150 क्वेश्चन जो है 120 मिनट में हमें एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फिर क्या रही थी? टाइम मैनेजमेंट में मैंने वो हर सब्जेक्ट को टाइम, वहाँ पे मतलब जाने से पहले ही टाइम डिसाइड कर लिया था कि 30 30 मिनट के लिए मैंने हर इसी को दिया था वॉच सामने रख के। सबसे पहले मैंने लीगल रीजनिंग किया था, लीगल रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद GK, और लास्ट में मैंने रीजनिंग रखा था, क्योंकि रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। अगर एक आध सवाल में अटक गए तो अटक गए, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा था।
इस तरह से मैंने टाइम को डिवाइड किया था, वो मेरा सफल रहा। ओके फाइन, मतलब आप पहले से डिसाइड करके गए थे कि कैसे आपका स्ट्रेटेजी होने वाला है पेपर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले से अगर हम प्लान करके जाते हैं तो उधर हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, हमें पता है कि हमें कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम अलोकेट करना है। यस ओके, आप कोई टिप देना चाहोगे नंद कुमार जी जो फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स है उनके लिए? हाँ, टिप टिप देने के ऐसा टिप तो, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको जो करना है वो मन से करो और दिल लगा के करो, आपको सफलता जरूर मिलती है। करेक्ट, राइटली सेड। ओके, सो अभी आप आगे क्या एम कर रहे हो, आपके फ्यूचर के करियर प्लान्स क्या है? पहले तो ये टारगेट तो यही है, पहले लॉ कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिस तरह से आएंगी, तो उस तरह से आगे बढ़ूंगा। ओके फाइन, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन नंद कुमार जी, एंड बी टू केयर फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।